एचयूएल में नौकरी करने वाली महिला के साथ ठेकेदार ने की छेड़खानी। रूम में ले जाकर ठेकेदार ने महिला के साथ की अश्लील हरकतें। महिला के शोर मचाने पर धमकी देकर भाग गया। महिला 2 हफ्ते से लगातार थाने के चक्कर, अभी तक कोई नहीं हुई है सुनवाई। सुमेरपुर, पूरा मामला कस्बा सुमेरपुर थाना सिम मैरिज गेट हाउस का पीड़ित महिला रहती है। पीड़ित महिला फरवरी 2022 से चौधरी कैटर्स के रूप में काम करती है, जिसका वेतन राजेंद्र सिंह चौधरी द्वारा दिया जाता था। दिनांक 5/9/2022 को सुबह 12 बजे लगभग प्रार्थी अपने घर में थी, तभी अचानक राजेंद्र सिंह चौधरी पुत्र स्वर्गीय जसवीर सिंह चौधरी निवासी लेबर कॉलोनी गोविंद नगर कानपुर पीड़ित के घर मैरिज लॉज के सुमेरपुर आया व महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। उस समय महिला के साथ उसकी पुत्री दिव्यांशी आयु 11 वर्ष बाजार गई हुई थी। तभी मुझे अकेला पाकर राजन सिंह ने जबरन मेरे साथ अश्लील हरकतें करते हुए ब्लाउज फाड़ दिया व मेरा सीना दबाने लगा और मैं जोर से चिल्लाई तो अलग बगल के लोग शोर सुनकर मौके पर आई। इसी दौरान मेरी पुत्री दिव्यांशी भी मौके पर आ गई, उसके द्वारा भी शोर मचाया गया। उक्त राजेंद्र मौके से फरार हो गया। भाई अपने कमरे पहुंचकर फोन करके मुझे समझौता करने के लिए बुलाया, बस समझौता नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। इसके बाद जब प्रार्थी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अंदर नौकरी ज्वाइन करने गई, राजेंद्र सिंह मौके पर आकर धमकी देने लगा, अगर कहीं शिकायत की तो नौकरी नहीं करने दूंगा। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला? मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करती थी ठेकेदार की तरह से। उसका नाम चौधरी राजेंद्र चौधरी सिंह है। ठेकेदार के अंदर काम करती थी। इसके बाद मुझे 4-5 महीने हो गए काम करते करते। वो मुझे वहीं पे कंपनी पे मेरे सामने आके कभी कर देता था तो मैं इग्नोर कर लेती थी कि चलो मुझे पेट पालना है। मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं, मेरी 3 बच्चियाँ भी हैं। और इसके बाद वो मेरे रूम तक आया और रूम में आकर मुझसे गलत हरकतें करने लगा। जब मेरे शरीर में हाथ करने लगा, मुझे ज़बरदस्ती हक किया तो मैंने शोर मचाया और मेरी बच्ची भी। तो मोहल्ले के लोग आए तो वो भाग के अपने रूम के पास चला गया। उसका रूम मेरे रूम के पास ही में है, हरुआ सुमेरपुर में। वो वहाँ से एक मनोज लड़के को भेजा कि यहीं पे दफा दफा कर लो जो भी हो गया, और जाके कंपनी में किसी को ना बताना, अगर किसी को बताऊंगी तो मैं नौकरी से तुम्हें निकाल दूंगा। मैं जब कल से ड्यूटी पे गई तो वहाँ पे वही राजेंद्र चौधरी ठेकेदार मुझसे कहने लगा कि तुम मैनेजर और सुपरवाइजर से नहीं बताओगी। तो मैंने कहा मैं बताऊंगी, सबसे मेरी ड्यूटी चली जाए तो चली जाए। मैंने वहाँ कमन मैनेजर से और सुपरवाइजर से मैंने कहा कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ के सुपरवाइजर मैनेजर ने कहा कि मैडम ये कंपनी के बाहर का मामला है, तुम्हारे रूम में गया है तो आप रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने हम गए तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से आप? सुमेरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।